पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा कारण रहा होगा जिसके कारण आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा और उस कारण का सोल्यूशन क्या है। या फिर आपने आवेदन किया है लेकिन आपका आवेदन अप्रूव भी हो गया है, उसके बाद भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन घर बैठे कंप्लीट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको यही पेज ओपन करना है। जैसे आप ये पेज ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ई केवाईसी अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो भी आपका पैसा रुक सकता है, तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। कैसे करनी है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हुआ है यानी कि आपका पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, नो योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करते हैं एक और नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड नंबर जो आपके पीएम किसान निधि में रजिस्टर्ड है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नो योर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और अपने आधार नंबर दोनों से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड किया आपने, और उसके बाद ये कैप्चा एग्जिट फिल कर देना है। और उसके बाद जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में पहले से है तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वापस से उसी बटन को क्लिक करना है, नो योर स्टेटस। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की पेंशन है वो किस कारण से रुकी हुई है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो डाल दिए हैं, कैप्चा कोड एग्जिटिंग फिल कर दिया है, और यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिस नंबर से हमने रजिस्टर्ड किया है। तो जैसे ही ओटीपी आता है हम फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्टेटस है यानी कि किस कारण से आपका पैसा नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा जो सारा डाटा है वो यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देने लगेगा। पेज ओपन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन था उसकी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अब आपको चेक करना है कि आपकी जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है तो आपको चेक करना है कि क्या दिक्कत रही होगी। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पर आपको जो तीन स्टेज है ये आपकी अगर कंप्लीट है तो आपका पैसा कहीं नहीं रुका है। जैसे ही किस्त जारी होगी तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। किस बैंक अकाउंट में आएगी इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैंड सीडिंग, यानी कि जो आपकी भूमि है जिस पर आपको 2000 रुपए की किस्त सरकार द्वारा दी जा रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई, यस है। और यहाँ पर ई केवाईसी स्टेटस, अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया तो आप अपने आधार नंबर से ई केवाईसी करवा सकते हैं, बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको यहाँ पर अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करते हैं ई केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि तो डायरेक्ट आप उस पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है जिन लोगों का पैसा नहीं आता है तो वो दिक्कत होती है यहाँ आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। यहाँ पे देखिए ये जो राइट ऑप्शन आपको यस दिखाई दे रहा है ये आपको नो दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक और अकाउंट है उस पे यहाँ पे नो लिखा हुआ है। तो ये क्या दिक्कत होती है, जिन मोबाइल नंबर में सॉरी जिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होते बैंक द्वारा या फिर जो आधार अथॉरिटी है उनके द्वारा उन बैंक अकाउंट को आधार से अनलिंक किया जा रहा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक हो। तो अगर आपका आधार कार्ड पहले लिंक था और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था तो वो अब अनलिंक हो चुका है, ये आपको चेक करना है। और अगर आपको यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाके आधार कार्ड को बायोमेट्रिक या ओटीपी के द्वारा लिंक करवाना होगा, इसके लिए आपको बैंक जाना ही होगा। और अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको जो पीएम किसान निधि की जो किस्त है वो कितनी किस्त मिली है, उससे पहले
आपका जो ई केवाईसी जो बैंक सेविंग स्टेटस है वो नो हुआ, उससे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 13 यहाँ पे किस्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो 13वीं किस्त थी वो यहाँ पे एफपीओ जनरेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स, अपनी जो भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी जो भी यहाँ पे आपकी जो किस्त है वो चेक करना चाहे वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको, और यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आपका जो पटवारी है उस पटवारी के पास जाना है, और वहां पर जाने के बाद आपको आपकी जो जमाबंदी है वो आपको वहां पर अप्रूव करवानी है, यानी कि पटवारी के द्वारा सत्यापित करवानी है और उसको जमा करवाना होगा। तो आपको कहाँ जमा करवाना होगा, तो ये आपको जो तहसील कार्यालय है उसके अंदर आपको जमा करवाना है, और उसके बाद आपकी जो लैंड सीटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 3 स्टेटस है ये अगर आपके कंप्लीट है तो आपके पैसे आ जाएंगे, और अगर आपके जो लैंड सीटिंग वाला जो प्रोसेस है ये अगर आप कंप्लीट नहीं है तो ये पटवारी के द्वारा आपको आपकी जो भूमि है उसकी जमाबंदी को सत्यापित करवा के तहसील कार्यालय में जमा करवाना होगा। और अगर आपका ई केवाईसी स्टेटस है वो अगर इनएक्टिव है, नो है, तो आपको करना क्या होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक, उससे आपको ओटीपी वेरीफाई करवाना होगा, उससे आपका जो पैसा रुका वो आ जाएगा। और अगर आपके आधार से लिंक है तो आपको बैंक जाना होगा, और बैंक जाकर आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।